गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हो चुकी है तैयारी पूरी जाने की। आज निकल रहे हैं हम यहाँ से पूरे 4-4.5 महीने के बाद पलवल से अपने घर के लिए। वैसे आज घर तो नहीं जाएंगे, आज जाना है दिल्ली अभी, क्योंकि वहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है तो उसके साथ भी मिलना है, थोड़ा उसको घुमाना है, तो इसलिए आज निकलना है यहाँ से। अभी सब सामान सामान पैकिंग सारा हो चुका है, अब थोड़ा बहुत कमरे का सफाई करना है और सामान को गाड़ी में डालना है। चलिए दिखाता हूँ अब आपको मैं रूम। ये देख सकते हैं आप, सामान सारा पैकिंग करके रख दिया हमने। अब इनको थोड़ा बहुत ये रजाई हो गया, कंबल वगैरह को डालना है गोदाम में, और उसके बाद ये बाकी ले जाने वाला सामान को गाड़ी में डाल के निकलने की तैयारी है। पर मिसेज अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है और ब्रेकफास्ट बनाएगी तो उसके बाद हम निकल जाएंगे थोड़ा बहुत खा पी के। फिर जाना है सीधा जनकपुरी की ओर, वहाँ पर बच्चे से मिलना है। आप लोग बने रहे मेरे साथ, आगे मैं दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। देखिए ये ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है, पर ब्रेकफास्ट बनने के बाद ये गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह भी पैक करना है और गोदाम में डाल के निकलना है। ये है जी, इस तरह रूम को साफ सुफ करके अब जा रहे हैं मालिक साहब के हवाले करके। ये है जी, ये सामान डालना है थोड़ा गोदाम में। अब इस कमरे का भी साफ सफाई हो चुका है, अब थोड़ा हल्का फुल्का खा के निकलेंगे। अभी दिखाता हूँ, हमने गाड़ी में सामान भी पैक कर दिया है, गाड़ी दिखाता हूँ आपको, गाड़ी में पैक हो गया है सामान। ये है जी अपना गाड़ी ही है, सामान आप देख सकते हैं, देखिए पैक 3-4 बैग इसमें आ गए हैं। एक बोरा, एक डिक्की, सारा कुछ भरा हुआ है इसमें, देखिए देख सकते हैं आप। तो निकलेंगे यहाँ से सीधा दिल्ली। आ गया जी है यहाँ से पलवल से निकलने का टाइम। मकान मालिक है, मकान मालिक जी को अलविदा कह के जाएंगे। अच्छा जी अंकल जी, मिलेंगे अगले साल के इसी साल, अब 6 महीने के बाद ही मिलेंगे, 7 महीने के बाद। ये भैया जी है, ओके भैया जी, मिलेंगे अब 6 महीने बाद। ठीक है अंकल जी, ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। निकल पड़े हैं हम अभी हम दिल्ली के लिए। यहाँ से दिल्ली 60 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो अमूमन 2 घंटे तो लग जाते हैं, आज संडे है, शायद ट्रैफिक कम होगा तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। आप लोग बने रहे, दिखाता हूँ आपको आगे का। दिल्ली मुझे जनकपुरी जाना है, वहाँ पर लड़की को लेके घुमाना है थोड़ा, उसके बाद निकलना है वापसी के लिए। अभी हम मंडू टीला में अपनी गाड़ी पार्क करके ओला लेके जा रहे हैं विकासपुरी की ओर। वहाँ जाएंगे और वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, कहीं घूमना है या कहीं इधर उधर जाना है, वो जाके लड़की बताएगी क्या करना है। यहाँ से हमने डिसाइड किया कि ये ओला कैब लेके इंडिया गेट घूमने जाएंगे। 6-7 महीने से लड़की भी बॉन्ड है हॉस्टल में, तो उसको भी इंडिया गेट घुमा लाते हैं, और हम भी 4 महीने से बैठे हुए थे तो आज हम भी थोड़ा इंडिया गेट वगैरह घूम देंगे। गाइस इस वक्त मैं हूँ इंडिया गेट के बिल्कुल सामने, यहीं से सीधा इधर जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारा फुवारा, काफ़ी सारे लोग भी आए हैं यहाँ पर। ये अंडरपास है,
है जी इंडिया गेट। खूब सारे लोग हैं यहाँ पर। हमेशा ऐसे ही रश रहता है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, मन खुश हो गया है। यहाँ आके पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ इस जगह में, आज तक मैं कभी नहीं आया हूँ यहाँ पर। अब ले चलेंगे आपको यहाँ से वॉर मेमोरियल की ओर। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आप श्रद्धांजलि, ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ डोनेशन करना पड़ता होगा, वो करते हैं। अदरवाइज आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल। जी वॉर मेमोरियल जहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए सभी सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इन सभी को त्याग चक्र से सम्मानित किया हुआ है। अशोक स्तंभ, ये है जी भारत की शान, देश का झंडा, थल सेना, जल सेना और नौसेना का झंडा, चारों शान से लहराते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का भी। जोर से जय हिंद बोलने का दिल कर रहा है यहाँ आके। ये था जी इंडिया गेट का एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी।